माई जोड़िया सुपबा लाल भाई सिर्फ ठकुआ ही बनेगा कि और कुछ लड्डू चावल का लड्डू हल्दी बस व्लॉग में बने दी देखते रहिए क्या क्या आटा में डाल के फटाफट मिलाना है लेकिन यहाँ पकवान बन चुका है हाँ। देख लीजिए हाय गाइस कैसे हैं आप सभी गुड मॉर्निंग और आप सभी को फर्स्ट एड की हार्दिक शुभकामनाएं आँख खुल नहीं रहा था इसलिए पहले नहा करके आए फिर सोचे वीडियो बनाते हैं अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं पूरा अंधेरा है इसीलिए लाइट के पास आके वीडियो बना रहे हैं बाबू अभी सो रही है इसीलिए सोचते हैं चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं उठेगी तब तो नहीं बना पाएंगे ना यहाँ पे घर पे पूजा भी हो चुकी है देखिए यहाँ गंगा जल को छाना जा रहा है कच कच ना करे यही सोच में पड़ेगा ना घर से अन्य अभी मुंगे ले लो हम सब साल मुंगे ले रहे पर नहरे से जलाने थे तब ना कहे चाहे लोग कोनो चीज हो चाहे तो नहरा से साधनों भी लाए हुए शुभ हुए यहाँ सांच बनने की तैयारी हो रही है तो कितना में कितना चीनी लगो आइए किलो पहले आटा दिया गया उसके बाद चीनी है उसके बाद क्या दिया जाएगा राहुल भाई जी गंगा जल घी देसी भी चालू हो चुका है और पानी दो पानी तो लगेगा ही लेकिन इसको ऐसा ऐसा मिलाते जाओगे पीसा जी जल्दी फटाफट नहा के आ जाइए सो रहे हो गए नहीं घूम रहे अभी फिर सो भी जाते तो देखो मम्मी हमारा उठाए अब दो ऊपर ऊपर मुठला बनने जा मुठला बनने जाओ ना अभी अभी केना बढ़ेतै आ दबो ना ऊपर ऊपर उठला अभी और 2 मिनट नीचे ऊपर होते तब वाह गजब प्रसाद था भगवान जी बोले थे खाने के लिए इसीलिए नहीं राहुल भाई जी दांत टूट जाता था बात नहीं है साफ तो किया ही होगा डेली तो घर में रहते ही हैं जहाँ जाने का मन है वहाँ जाएंगे हाँ वहीं जाएंगे यहाँ डिस्कस हो रहा है कहाँ होगा छठ पूजा आज शाम में अलग होगा अभी तक पता ही नहीं है घर में करना है कि बाहर जाना है आप लोग कुछ लगता है तुरंत कोयर्दा को जाना पड़ेगा लूटने 2 घंटा में तुरंत कोयर्दा नहीं
दीदी लोग क्या खेलते हैं यार, आ जाएंगे अभी सोच कौन बना रहा है तुम गौतम, अभी सोच क्या तुम बना रहा है? तब क्या लो, हमने बना रहा था, आप बना रहे तो हम ही बना रहे हैं। गीला है ज्यादा? नहीं नहीं, छोटी छोटी नहीं उत्तम, अब तो यही है इसी को ले जाएंगे बस नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे गाली के लाये मार गले सीढ़ी सुकर तो पक्का लो रिया है कम बहुत दौड़ा ऐसा तो नहीं लगे नहीं छोड़ बाबू हमको याद है आते दिन तो हम धनबाद से कहते थे कि हम सब्जी बनाते हैं तो सब आस पड़ोस आ जाता है कटोरी लेने के मांगने के लिए, हमको ये याद है। सबको बांटिएगा क्या? लाल भाई सिर्फ ठकुआ ही बनेगा कि और कुछ? लड्डू चावल का लड्डू भैया, बस ब्लॉग में बने रही देखते रहिए क्या क्या तुम लड्डू बनाए। लड्डू सिंदूर सती हो तुम लोग फल आएगा जब ना फल आएगा। अभी हम उधर नाश्ता पानी का उपाय करना होगा वो कर देगी। राहुल भैया बनाएंगे पराठा, इसका पराठा बनाएंगे। मनुआ बोला हम खुद से खाना बना खाते हैं, आए थे ना अभी मम्मी जी को पनीर का सब्जी बना खिलाए थे हम। बोले झूठ बताना, पूछ लीजिए ना अनुआ से। आजकल इतना ना बड़ा देता है कि सब ऐसा हूँ मैं आराम से भूल जाए। आज जब पढ़ते नहीं करे ये अपने गेट खुले उधर दादी माँ भी पूजा का तैयारी कर रहे हैं, कुछ कुछ सामान ला के रख रहे हैं। पान का पत्ता तोड़े हैं अपना पैर से, वही ला के रखे पैर से नहीं से पान के बनाने से। आप लोग भी जो जो बिहार से होंगे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग के यहाँ छठ पूजा कैसे होता है, कैसे ही ठकुआ बनाया जाता है, क्या मेन प्रसाद हम लोग का यही है, फल फ्रूट अलग से ना फुआ दी। और एक और खास बात, मतलब ये बासी भी चढ़ता है ना, जैसे आज बनाए तो फिर कल सुबह भी चढ़ेगा यही ना। कसार बोलते हैं ऐसे चावल का लड्डू है। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? लरुआ बोलते हैं। पे तो चावल का लड्डू ही बोलते हैं।
देखिए लड्डू भी अब बनकर रेडी होने ही वाला है, सब कुछ हो चुका है, बस गोला बना बना के रखा जाएगा। आप लोग जो भी बिहार से हैं, आप लोग भी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग के यहाँ ये वाला लड्डू बनता है क्या, चावल वाला लड्डू, और इसको क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा। ओल का पौधा ये भी गोपाल को चढ़ेगा, अभी इसको निकालने वाले हैं हम, थोड़ा कोरो चारों ओर। मम्मी जी ये भी चढ़ेगा पूजा में? हाँ, ओल नियम है, चढ़ना है, ओल को चढ़ाता है लोग। चलिए तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या चढ़ता है। हाँ बताएंगे, चढ़ते रहिए। चलिए देखिए यहाँ फ्रूट धुला जा रहा है, क्या क्या है भाई जी बताइए, भाई जी क्या क्या है? सेब है, संतरा है, गिरा दे ऐसा क्या कहे थे बाबू, अभी छुएगी, ये सुथनी है छोटा सा ना। पानी फल, सेब, नारंगी, डाब नींबू और नारियल, और धुला भी जा रहा है यहाँ पे। उधर उधर